यहाँ पे कुछ बॉटल्स। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ घंटे को ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिले। हे गाइस, एप्लीकेशन जो कि है नागपुरी का, जो कि नागपुरी गाना जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हो कोई सा भी सॉन्ग को और प्ले कर सकते हो। हाय, दिस इज विनय, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो, आज एक पिकनिक का प्लान है जो कि राबो डैम कई बार देख चुके हो, हमारे गरगोड़ा के पास में है। गरगोड़ा से 10-15 किलोमीटर के अंदर में, गरगोड़ा से अंदर थोड़ा, ठीक है, तो राबो डैम, तो वहाँ जाना है फिलहाल अपने घर से वहाँ। और दोस्त लोग आ रहे हैं लालुंगा वाले, तो लालुंगा से आ रहे हैं लेने के लिए कार में, तो कार में चलेंगे आज। जैसे ही पहुँचेंगे उसके बाद यहाँ से निकलना है, उसके बाद जो भी होता है मस्ती वगैरह, चलो दिखाते हैं और फिर से दिखाते हैं कि राबो डैम कैसा दिखता है। फिलहाल अभी लॉकडाउन है तो पता नहीं कितना भीड़ है कि पता नहीं, और पिकनिक अगर अलाउड नहीं होगा तो फिर कैंसिल हो सकता है, बट अलाउ होना चाहिए, पिकनिक दिखेगा पक्का। खाने जा रहे हैं वो इसमें बनता है, फिलहाल हम इसमें बनाए हैं, बाकी आग में बना सकते हो। ये बर्तन होता है, इसमें पानी भरते हैं वहाँ तक, और उसके ऊपर में ये वाली बर्तन, ये वाली बर्तन को उसके ऊपर में, उसमें से जो भाप रहेगा, भाप से ये गर्म होगा, उससे पकता है इसके अंदर का ये होता है चावल से बना हुआ, जिसको पत्तल में रखा जाता है कड़ा करके, और इसको इसमें रखा जाता है जो कि भाप से पकता है। उस बर्तन पे पानी डालते हैं जिसके ऊपर में इसको रख के ढका जाता है। फ्रीजर में पैक करते हैं एक ये वाला, जो कि छोटे लोग बच्चे लोग खाएंगे तो फिर छोटा वाला एक परफेक्ट, और बड़े लोग के लिए ये, इसमें सींक लगा के रखे हैं चारों साइड से, देखो इसमें थोड़ा बड़ा है इसमें छोटा है। अनबॉक्सिंग करते हैं, तो ये रहा पनपुरवा बोलते हैं बहुत कोई इसको, बाकी अलग अलग नाम होता है इसका भी। गरम है, इसको हमें खाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये होता है पनपुरवा, जिसमें से धुआं निकल रही है, जो कि काफी यमी होता है बॉस। इसमें मखना है, पपीता डाला जाता है इस चावल पिसान के साथ में, और दोनों को मिक्स करके इसको गाढ़ा किया जाता है, और इसमें नमक रहता है, मीठा उठा नहीं, इसमें नमक रहता है, और इसमें शायद मखना लगा हुआ है, हल्का हल्का इसमें दिख रहा होगा, हल्का हल्का मखना, बाकी ये पूरा प्योर है। तो हमारा भाई आ गया है, बबलू भाई लेने के लिए, तो चलो बाकी लोग उधर सामने कार में हैं वहाँ पे। आज की सवारी ये वाली, इधर से ये घरगोड़ा रोड है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आओगे तो यहाँ पे ये ग्राम नवापारा, तो हमें घुसना है इस रास्ते पे, यहाँ पे शाक सब्जी। फिलहाल वेलकम टू राबो डैम अगेन, और यहाँ का सीन तो पहले भी देख चुके हो, बाकी फिर भी आज के लिए नया रहेगा। इधर से आने का था रास्ता, और दोनों साइड जा सकते हैं, इधर से आएंगे तो फिर नाव पर होते हुए, इधर से आएंगे तो रायगढ़ से, तो दोनों का रास्ता है। और फिलहाल ये अपना टीम, तो इससे पहले वाला सीन भी देख चुके हो, यही वही जगह है जहाँ पे पहले भी हम लोग स्कूल नहीं कॉलेज वाले आए थे यहाँ पे, और ये थोड़ा बहुत जगह सीन। और यहाँ कुछ भाई लोग नहीं यार, वहाँ जाने के क्या, और खाना बनाने के लिए खाना बन रहा है, ऑर्डर दे दिया हूँ। खाना बन रहा है, अच्छा मतलब खाना ऑर्डर दिया हुआ है, क्या बात है, सिर्फ इधर चिकन बनाना है। और यहाँ से ये नज़ारा प्यारा सा, जो कि काफ़ी बड़ा है, और वहाँ एक टापू है जहाँ पे अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ होटल्स और अपना ये, चलो तो हमारा चिकन रेडी हो रहा है, पहले पत्तियाँ, फिर कुछ मसाले, और इधर प्याज, और हमारे कुक कभी के गोपाल भाई,
बाकी गर्म नहीं हो पाया ना। अपना गोपाल भाई, नाम तो सुना ही होगा, मेरा नाम है पिंटू, ये है विनय भाई, इन्हीं का ब्लॉग है, और ये है मामा, मामा का नाम नहीं जानता, खाली मामा है, और ये है गोपाल भाई, ये है रुकमन भाई, और ये है अर्जुन, वो महाभारत वाला अर्जुन नहीं, आज वाला अर्जुन। ये देखो भैया लोग खाना खा रहे हैं, अंडा कड़ी के साथ चावल। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और